हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस समय मैं हूँ शिंगड़ी आटा मोड़ पे, और ये आप देख सकते हो, ये है सामने फ्लाईओवर शिंगड़ी आटा का। और मैं इस समय यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर पिलर नंबर 319 का कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। सो आप जो ये सामने जो आप देख रहे हो, ये साइट यहीं पे हो रहा है। ये आप देख लो, नीचे पूरी पूरा फाउंडेशन के लिए जो आप देख सकते हो, ये यहाँ से पूरा खुदाई हो चुका है। और अभी इन्होंने काफ़ी सारे ये जो स्टील के जो बार्स हैं, ये लगा रखे हैं। सो गाइस, काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। पिछली बार जब मैं आया था तो ये सब कुछ भी नहीं था, ग्राउंड था सिर्फ। इवन यहाँ पे इसका हिगिंग वर्क भी नहीं हुआ था। और थोड़ा सा मैं आपको दे दूँ, बैकग्राउंड दे दूँ। ये वाला जो रूट है, ये वाला जो स्ट्रेच है, ये है एयरपोर्ट टू न्यू खरिया, उस पर है। एंड गाइस, न्यू खरिया से बेलेघाटा तक पूरा कंप्लीट है, ट्रायल रन भी हो गया है। बेलेघाटा से चिंगड़ाडा तक अभी आप देख सकते हो, ये पिलर्स हैं, पिलर्स का इरेक्शन हो चुका है। ये लास्ट पिलर है 319, इसका नहीं हुआ था, तो इसका अब स्टार्ट हो गया है। और 75 डेज का टाइम लिया था RVNL ने कोलकाता पुलिस से। सो आई गेस अभी 1 मंथ हो गया है। एंड गाइस, काम अभी हो रहा है, देख सकते हो आप, काफ़ी सारे ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे, वर्कर्स भी हैं। एंड जब ये वाला पिलर हो जाएगा कंप्लीट, तो फिर आई गेस यहाँ पे धीरे धीरे आपका गर्डर लॉन्चिंग भी हो सकता है। तो मैं एक बार वहाँ चलता हूँ साइट पे, और आपको दिखाता हूँ कि क्या अभी स्टेटस है। गाइस, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है सामने। मैं चलता हूँ आगे अब। सो गाइस, ये है, ये साइट है मेन, यहाँ पर अभी हो रहा है, काम चल रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे लोग भी हैं, अंदर में काम कर रहे हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं गाइस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, काम हो रहा है अभी, ज़ोर शोर से काम चल रहा है। एंड RVNL इस पर काम कर रही है, कैमन इंडिया को ये काम दिया गया है। तो ये चीज़ देख के अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप मेरा पिछला वीडियो आप देखोगे तो ये कुछ भी नहीं था यहाँ पर पहले। और अब इन्होंने काफ़ी सारा यहाँ पर, मीन्स आई गेस 1 मंथ के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड आई गेस 1 मंथ के अंदर ये इन्हें शायद अगर ये पूरा कंप्लीट करते। सो गाइस, ये है साइट। दादा, मेट्रो का काम हो रहा है ना? सर, अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या बोलते हैं प्रोसेस को? ये पाइल कैप है। पाइल कैप, उसको लगा रहे हैं। अच्छा, तो कब तक हो जाएगा ये कंप्लीट? आज कंक्रीट नाइट में चालू होगा। नाइट में कंक्रीट वर्क चालू हो जाएगा, तो पूरा इसको कंक्रीट से भर दिया जाएगा। नीचे जो स्टेशन है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भरने के बाद ऊपर वाला बनेगा। अच्छा, तो गाइस ये है, इसको पाइल वर्क कहते हैं, पाइल कैप। और बोले रात में यहाँ पे कंक्रीट भरा जाएगा इस पे, ये आप देख सकते हो। अंदर भी, इसके नीचे भी लोग हैं, अंदर इसके नीचे भी लोग हैं। ये बहुत नीचे तक ये डिगिंग किया गया है, ये काफ़ी अंदर तक होल हुआ है, पूरा अंदर तक खोद कर अब इसमें पूरा कंक्रीट भरा जाएगा। तो मतलब आप समझ लो फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होता है यहाँ का।
बहुत मेहनत का काम है ये, हैट्स ऑफ, इतनी गर्मी में ये काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम है। हाँ हाँ दादा, यूट्यूब यूट्यूब चैनल अच्छा हमारा, हाँ यूट्यूब चैनल। सो गाइस मेरे साथ एक ऑफिशियल है, सो सर बताएंगे कि क्या क्या भी होगा। हाँ सर बताइए। अभी पाइल कप चल रहा है, थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ अभी जो पाइल कप चल रहा है, हाँ पाइल कप चल रहा है, पियर होगा, पियर वर्क होगा, पियर कैप होगा, अच्छा पेडिस्टल होगा, फिर पेडिस्टल होगा, ओके, उसके बाद सेगमेंट लॉन्चिंग होगा, फिर सेगमेंट लगेगा, लॉन्चिंग होगा, अच्छा फिर लॉन्चिंग होगा सेगमेंट, अच्छे रेल लाइन बैठेगा उसके, अच्छा उसके बाद का फिर वो प्रोसेस है। तो ये कब तक कम्प्लीट हो जाएगा ये वाला, वन मंथ 15-20 दिन हो जाएगा, मतलब आप बता रहे थे पूरे दिन रात काम चलेगा, ओके। सर आपका नाम, गुड नेम? मेरा नाम अवधेश पासवान। अवधेश पासवान। तो गाइस सर के लिए सब लोग एक थम्स अप करना, और सर ने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, थैंक यू सर। सो गाइस सर ने पूरा प्रोसेस बताया है और कैसे होगा, और बोला है कि दिन रात अभी यहाँ पर काम हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे आपने देखा सर ने पूरा प्रोसेस अभी बताया है कैसे क्या होगा, एंड अभी यहाँ पे बोला है कि दिन रात काम चलेगा, एंड 15-20 डेज में ये कंप्लीट होने का है, अभी पूरा इनका टारगेट है, मींस पिलर 15-20 दिन में इनका है टारगेट बनने का गाइस। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, एंड देखते हैं कितने जल्दी ये काम कंप्लीट होता है, काम अभी हो रहा है यहाँ पर दिन रात। मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, सो गाइस अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, एंड आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट ये वीडियो मेरे काफ़ी लोगों तक पहुँचे। एंड अब मैं चिंगड़ीहाटा मोड़ से आप सभी को अभी बाय बोलता हूँ, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।